हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NABL के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी NABH के बारे में, तो NABH क्या होता था उसके बारे में आप लोगों ने इन डिटेल जाना था, वैसे ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि NABL क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ आपका दोस्त लखन चौधरी और अपने टेक्निकल हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि NABH जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपका फार्मेसी हो या रेडियोलॉजी हो, OT डिपार्टमेंट हो, सर्जरी वार्ड हो या मेडिसिन वार्ड हो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी NABH के ही अंदर आते हैं। लेकिन एक हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा होता है जिसके लिए एक स्पेशल एक्रेडिटेशन बोर्ड लेना होता है, जिसके लिए एक अलग मान्यता लेनी होती है। जी हाँ, वो डिपार्टमेंट होता है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी डिपार्टमेंट एक ऐसा होता है जिसके लिए एक अलग सर्टिफिकेट लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं NABL। तो आज हम NABL के बारे में आपको इन डिटेल बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि NABL की फुल फॉर्म क्या होती है। NABL होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी जनरल जानकारी देना चाहूँगा NABL के बारे में। NABL एक इंडियन संस्था है जो कि जिसका फाउंडेशन यानी कि जिसको फाउंड किया गया था 1988 में, यानी कि अब से 32 साल पहले, और इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव, जिसका नाम अब बदल के गुरुग्राम हो गया है, वो उसमें है। दोस्तों, इसके अंदर तकरीबन 100 to 200 वर्कर्स जो हैं स्टाफ वो काम करता है। तो ये तो थी एक जनरल नॉलेज इसके बारे में। अब हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बात करने जाएंगे दोस्तों कि NABL के अंदर क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जितनी भी लेबोरेटरीज होती हैं वो क्यों लेना चाहती हैं, और इसको लेने के बाद क्या बेनिफिट उनको मिलते हैं, क्या पेशेंट को बेनिफिट मिलते हैं और क्या स्टाफ को बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें फर्दर बातें करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि NABL किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी फुल फॉर्म बताई, तो आप उससे तो कंफर्म हो गया कि इस स्पेशल लैब के लिए होता है। दूसरा कि जैसे जितने भी ये हॉस्पिटल होते हैं, NABH हॉस्पिटल होते हैं, वो उनको एक अलग मान्यता NABH हर एक डिपार्टमेंट के जो है वो तो लेनी ही लेनी होती है, साथ ही NABL के लेबोरेटरीज के लिए NABL की जो मान्यता है वो भी लेनी होती है। जब वो NABL की मान्यता लेते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। NABL की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, चाहे एक हॉस्पिटल के अंदर लैब की बात कर लो या आप एक सेपरेट लैब की बात कर लो। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जो टीम होती है वो एक ऑडिट के लिए आती है, उसको क्लियर करने के लिए, देखने के लिए। तब वो जब उस ऑडिट के लिए आएगी तो वो उसमें सारी चीज़ें बारीकी से देखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो एक लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि उसको किस तरह से मेंटेन किया गया है, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे सबसे पहले आपका फ्लेबोटमी डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हुआ, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ये सभी डिपार्टमेंट्स एक वैल्यूएबल तरीके से बनाए गए हैं कि नहीं। देन उसके बाद इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सेक्शंस होते हैं, जैसे पैथोलॉजी के अंदर आपके सेक्शंस होते हैं, साइटोपैथोलॉजी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है, उनके अंदर जो टेस्ट होते हैं, हर एक छोटे से लेके छोटे टेस्ट को, बड़े से बड़े टेस्ट को वैलिडेट किया जाता है NABL के द्वारा। इसीलिए तो बोला जाता है आप लोगों से, या मतलब कोई भी पेशेंट होगा उनसे यही चीज़ बोली जाएगी कि हमेशा एक NABL लेबोरेटरीज के अंदर अपनी टेस्टिंग कराइए या NABH हॉस्पिटल के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट कराइए। खैर, ये तो बात अलग रही। दूसरा हम बात करते हैं इसके अंदर कि फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका आपके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं सेक्शन वाइज, उन सबको देखने के बाद में ये देखा जाता है कि जो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको आपने किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं, उनके क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और आपकी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग या फिर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, कि आप रिपोर्टिंग किस क्वालिटी से कर रहे हैं, आप किस टाइमिंग पे, मतलब जो आपके जो कलेक्ट जो ब्लड कलेक्शन टाइम होता है या कोई भी आपका स्पेसिमेन कलेक्शन टाइम होता है, उसके बाद आप टेट के अकॉर्डिंग
पेशेंट को रिपोर्ट डिस्पैच सही टाइम से कर रहे हैं नहीं, ये सारी चीज़ें एनिबल के अंदर देखी जाती हैं। अब दोस्तों इसके अंदर देखो, जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद एनिबल देखता है कि हाँ भाई ये सारा सब कुछ इस लेबोरेटरीज के अंदर सारा तरीके से है, तो तब उसके बाद वो उसको पास करता है और फिर उसको इस चीज़ की मान्यता प्राप्त होती है। और यही चीज़ सिर्फ एक बार नहीं होती, फिर ये एवरी ईयर्स इसका ऑडिट होता है, हर साल इसका ऑडिट होता है और वो यही सारी चीज़ें देखते हैं। इसलिए तो एक एनिबल जो लेबोरेटरीज होगी उसके अंदर क्वालिटी वन का उसमें आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसमें आपको टेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें इस हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एनिबल ऑडिट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऑडिट होता है तो आपका प्रॉपर आपने जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, चाहे वो सैंपल रिकॉर्ड्स हों या पेशेंट्स रिकॉर्ड हों या आपके जितने भी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उनका रिकॉर्ड्स हो, वो आपने पूरी तरह से मेंटेन किया है कि नहीं। देन उसी के साथ में आपके छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका रूम टेम्परेचर, उसकी एक अलग फाइल होगी। जैसे आपके जो मशीन के रिजेंट्स होते हैं उनको आप डीप फ्रीज में रखते हैं, उनका एक टेम्परेचर होता है कि आपको इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच में ही रखना है, उन चीज़ों को देखा जाता है। साथ ही आपकी जो मशीन है एक टेम्परेचर जो जितने भी आपकी बायो मशीन्स होती हैं, यानी कि बायोकेमिस्ट्री की जो टेस्टिंग जो होती है उनको बहुत ही लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, उनको आप एक टेम्परेचर पर रखते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें डिटेल में देखी जाती हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि आप के पास में जो लेबोरेटरीज के अंदर जो स्टाफ है उस स्टाफ के डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया जाता है कि वो उनको प्रॉपर तरीके से उनके पास में जो वैल्यूबल डिग्री है या डिप्लोमा है वो सब है कि नहीं। इन सारी चीज़ों का देखो एक पेशेंट को इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है इन सारी चीज़ों से कि एक वेल एजुकेटेड स्टाफ होगा तो वो पूरी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से जो मशीनें होती हैं उनको उनके मेंटेनेंस को करता रहेगा, तो तभी हम एक अच्छी रिपोर्ट दे पाएंगे पेशेंट को। एक पेशेंट आपके ऊपर पूरी तरह से, पेशेंट ही नहीं दोस्तों, एक लेबोरेटरीज के ऊपर, एक लेबोरेटरी के ऊपर एक डॉक्टर भी पूरी तरह से निर्भर होता है, क्योंकि उनको वो आपको रिकमेंड करेगा किसी भी टेस्ट को और वो सीधा आपके पास में आएगा, उसके बाद आपको एक क्वालिटी वाली, बेहतरीन क्वालिटी वाली रिपोर्ट उसको देनी है जिससे आप उसका ट्रीटमेंट चलेगा। डॉक्टर पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा, पेशेंट पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए एनिबल ऑडिट होता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो स्टाफ होता है उसके लिए भी बेनिफिट्स होते हैं। देखो जब आप एक एनिबल लैब के अंदर काम करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर सैलरी होगी वहाँ पे, जो कि आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी, और साथ ही उसमें जितना भी वर्क होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा वर्कलोड हो उसमें, वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक टेक्नीशियन, डॉक्टर या फिर जो स्टाफ होगा उसी को दिया जाएगा। ये नहीं है कि एक ही जो स्टाफ है वो आपकी फ्लैबोट में भी देख रहा है, वो आपकी टेस्टिंग भी कर रहा है, वो आपकी रिपोर्टिंग भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन उसके ऊपर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें स्टाफ केयर यानी स्टाफ के लिए भी देखी जाती हैं। अगर आप कंपैरिजन करें किसी दूसरी लेबोरेटरी से तो वहाँ पे ऐसा नहीं, आपको ये चीज़ें जनरल होंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, उतनी सैलरी होती नहीं है, लेकिन एनिबल ने यही सारी चीज़ें जो टेस्टिंग जो है उसकी जो मानक गुणवत्ता है उसको ही मद्देनज़र रखते हुए ये काम करते हैं दोस्तों। साथ ही क्या होता है कि एनिबल के अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको जो अदर लेबोरेटरीज होती हैं, जो जिन लेबोरेटरीज़ को पहले से एनिबल की मान्यता प्राप्त हैं, वो उनसे कंपेयर कराते हैं उनकी टेस्टिंग को, जिसको हम ILC बोलते हैं, यानी कि इंटर लेबोरेटरी कंपेरिजन। वो आपकी मशीनों के सैंपल उस लैब की मशीनों पे भी चलाएंगे और फिर उसमें जो रिपोर्टिंग होती है उसको देखा जाता है कि कितनी सिमिलरिटी है दोनों में। ये तो होता है ILC। दूसरा एक होता है ICWAS, AQAS, जिसको हम एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट भी बोलते हैं। ICWAS किससे होता है? जो गवर्नमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सफदरजंग जैसी, ये बड़ी बड़ी संस्था होती है, इनसे ICWAS यानी कि ये भी एक तरह का कंपेरिजन ही होता है, ये किया जाता है। वो वहाँ का ICWAS आपके
हॉस्पिटल की लेबोरेटरी के अंदर चला जाएगा, अगर वो वहाँ से सिमिलर होता है यानी कि कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते तो वो पास है, अदरवाइज़ उसमें अगर कुछ वेरिएशन मिलते हैं तो फिर वहाँ पे भी एनसी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ एक एनएबीएल ऑडिट में देखा जाता है कि आपके प्रॉपर तरीके से आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेंटेन है कि नहीं, जो आप रिकॉर्ड रखते हैं, जो आपके लैब रजिस्टर्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है कि नहीं, और जो आप क्वालिटी दे रहे हैं टेस्टिंग में वो क्वालिटी, जो आपके जो मशीनें हैं उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है कि नहीं, उनका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्या है, और स्टाफ एजुकेटेड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि क्या जो स्टाफ है उनका टाइम टू टाइम उनके एजुकेशनल प्रोग्राम किए जाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐड होती हैं, जिनको एडिशंस दिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज के टाइम में कोरोना काल में चलते हुए अब एकदम से ये कोरोना वायरस आया है, अब ये वायरस आया उससे पहले जितने भी लोग होंगे, जितने भी मेडिकल स्टाफ होंगे, उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, उन्होंने नहीं पढ़ाई की होगी, तो अब इसमें जितने जितने वेरिएशंस होते हैं, जितने चेंजेस आ रहे हैं, जितनी जितनी इसमें एडिशंस जुड़ते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों के जो स्टाफ होता है उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं वो सब होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और दोस्तों इसके साथ में जो एनएबीएल होता है वो प्रॉपर तरीके से ऐसे ही ईयर्स बाय ईयर्स वो ऑडिट करते रहते हैं, अगर उनको किसी भी साल या किसी भी टाइम उनको कुछ कमियां लगती है तो वो उस वहाँ पर सुधारने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर एनसी लगा के जाते हैं, अगर एनसी लगती है तो फिर वो बोलते हैं जब आपकी एनसी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आप हमें रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद हम आपको आगे इस सर्टिफिकेट को बढ़ाने की हम आपको अनुमति देंगे, यानी कि आपको फिर अप्रूवल मिलेगा इसको, जो आपके एनएबीएल जो एक्रेडिटेशन है आपको मिला हुआ है वो आपको आगे भी दिया जाए। तो यही सारी चीज़ें दोस्तों एक एनएबीएल लैब के अंदर बताई जाती हैं, देखी जाती हैं, और ऑडिट में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बस दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें मैं शॉर्ट में यही सारी चीज़ें बता पाऊँगा, वरना अगर मैं इन डिटेल और भी बहुत सारी चीज़ें, आप एक मेडिकल के अंदर अगर काम करते हैं तो आप उस मेडिकल की नॉलेज की आप ये मत सोचना कि ये बहुत छोटी चीज़ है, अगर आप एनएबीएल के बारे में जानेंगे तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको दोस्तों इसके बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी को उसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके आप मुझे अप्रिसिएट कर सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव ए नाइस डे।